कक्षा 8वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ विज्ञान का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकॉर्ड आ रहे थे कि विज्ञान का पेपर उपलब्ध फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा परीक्षा सब 2023 यानी पूरा परीक्षा मतलब रहता है सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर आपका विज्ञान लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर आपको अंकों शब्द में डाल देना और शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा देना, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके यहाँ पर पूर्णांक 60 रहेगा और कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहने वाली है। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना पूरा पेपर आपका यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन तैयार कराया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ी मस्त से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो आपका प्रश्न बनाता आपके यहां पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न बनाता जीवाणुओं से, ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो आपका ये ऑप्शन आता मलेरिया है, जब बी आता टाइफाइड पोलियो, सी आता हैजा टाइफाइड और डी आता खसरा मलेरिया। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हैजा टाइफाइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना हैजा टाइफाइड, ये आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको लिख देना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहले का आपका सी आंसर रहने वाला था। अब दूसरा आपका आता है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता सल्फर, बी आता हाइड्रोजन, सी आता कार्बन मोनोऑक्साइड और डी आता सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका यहाँ पर कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आपसे लिखते बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा लिख देना है उत्तर में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा आता सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आता मध्य क्षेत्र, बी आता सबसे बारीक क्षेत्र और सी आता आंतरिक क्षेत्र और डी आता निचला क्षेत्र। तो आप सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सबसे बारीक क्षेत्र, ठीक है। तो आपको उत्तर में यहाँ पर लिख देना उत्तर में सबसे बारीक क्षेत्र, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता चौथा, भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका नीम, यानी आपका प्रश्न चौथे का आंसर सी हो जाएगा, नीम। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना नीम, ठीक है स्टूडेंट, आपको उत्तर में नीम लिख देना। आप चलिए आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी की आपको स्क्रीनशॉट ले चलना और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पांचवा आता लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो आपकी जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर प्रश्न पाँचवें का आंसर आपका ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना पीयूष ग्रंथि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका छठवां आता जलीय दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं जलीय दस्त होना रोग का लक्षण है। तो स्टूडेंट इसका आपका आंसर रहेगा हैजा, आपका यहाँ पर छठवें का आंसर आपका बी हो जाएगा, हैजा। तो आपको उत्तर में यहाँ पर हैजा लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पेशीय बल का, ठीक है। आपके प्रश्न सातवें का आंसर आपका डी हो जाएगा, पेशीय बल का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आठवां आता सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना ड्रिप तंत्र, ठीक है, ये आपको उत्तर में यहाँ पर लिखना है। आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका नौवां आता प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नौवीं का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका दाब हो जाएगा, यानी आपका प्रश्न नौवीं का आंसर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, दाब। तो आपको उत्तर में यहाँ पर दाब लिख देना, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपको यहाँ पर दाब लिख देना है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नौवां हो जाता है। अब चलिए आपको नेक्स्ट, यहाँ पर दसवां आता है यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तब परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 45 अंश, ठीक है। आपका यहाँ प्रश्न दसवीं का आंसर आपका डी हो जाएगा, 45 अंश। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना 45 अंश, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपको नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके प्रश्न दो आता है आपके यहाँ पर देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 20 तक आपके दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न 11 आता है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं।
फिर आपका प्रश्न 12 था हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में कराने वाले हैं, तो फिर वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। प्रश्न 13 आता है रेड पुस्तक क्या है, इनकी आवश्यकता क्या होगी, आपका प्रश्न 13 हो जाता है। फिर 14 तक जनन क्या होता है, जंतु जनन की कौन सी विधियाँ हैं। फिर 15 तक मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, समझाइए। फिर 16 तक पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो ये आपका 17वां क्वेश्चन है। देख लीजिए 18वां क्वेश्चन आता है आशुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण बताइए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, सभी का आंसर आपको लिखना है। फिर 20वां क्वेश्चन आता है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए, आपका आता है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का आंसर हम बताएंगे आपको। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न 21 आता है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 22वां क्वेश्चन आता है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकन चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। 23वां क्वेश्चन आता है संस्कृति के लिंग निर्माण की प्रक्रिया को संचित्र समझाइए। 24वां क्वेश्चन आता है तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो जाता है, और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले विज्ञान पेपर में, साथ ही आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और स्टूडेंट जो आपका इसका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में, टेक इन, बाय बाय।